सोमवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं को हिंसक बताने वाला बयान दिए जाने से नाराज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा सिंगरौली के पदाधिकारी ने अमनोरी मोड पर राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए, साथ ही उनका पुतला फूंककर इस मामले की माफी मांगने की मांग की है। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह परमार के नेतृत्व में भाजपा युवा मोर्चा के दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकत्रित हुए, जहां उन्होंने राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं को हिंसक बताने वाले बयान पर जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए, साथ ही राहुल गांधी का पुतला दहन किया। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि राहुल गांधी देश से माफी मांगे। बता दें कि सोमवार को राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक बताया था, जिसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है। भाजपा जिला अध्यक्ष राम सुविरन गुप्ता ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा ऊट पटांग बयान देते हैं, वो हिंदू विरोधी हैं, उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को कई बार आहत किया, इसीलिए राहुल गांधी माफी मांगे, नहीं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भाजपा द्वारा राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जिस तरह से लोकसभा में हिंदुओं के लिए अपमानजनक बातें की, दूसरों को हिंसावादी बताया, इस देश के हिंदू समाज क्या हिंसक है, क्या वो गलत दिशा में काम करते हैं, क्या इस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता और लोकसभा में अभी विपक्ष के बने नेता, जिन्होंने 100 के आंकड़ा तक अभी तक पार नहीं किया, और इस देश में बहुसंख्यक जो हमारा हिंदू समुदाय है उसके लिए अभद्र टिप्पणी करना, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी विरोध तो कर ही रही है, परंतु युवा मोर्चा ने आज उनका पुतला दहन करने का काम किया है। तो युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं को और हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह परमार जी को, उनकी टीम को, सभी को बधाई देना चाहता हूं कि आप पूरे हिंदू समाज के लिए आप खड़े हैं, और जिस तरह से ये वातावरण कांग्रेस नफरत फैलाने का काम इस देश में करती है, इसके विरोध में पूरा हिंदू समाज है। आपने देखा होगा टीवी में, मीडिया में, चारों तरफ डिबेट में हमारे आदरणीय शिवराज सिंह जी, चौहान जी ने टिप्पणी किया है, ये हिंदू समाज के विरोधी कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं, इसको खुद ही वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, किस जात के हैं उन्हें खुद पता नहीं है। सोनिया गांधी किससे विवाह की, राहुल गांधी किससे विवाह की, प्रियंका गांधी किससे विवाह की, इस तरह से जो इनकी जो स्थिति रही है, हिंदुओं का अपमानित करना, हिंदुओं को के बारे में गलत टिप्पणी करना, इससे मानसिकता कांग्रेस की झलक में आती है कि कांग्रेस हिंदू समाज को देखना नहीं चाहती, हिंदू समाज से कभी जुड़े नहीं है। कि जब चुनाव आता है तो जरूर ये मंदिरों में मठों में जाते हैं और टीका लगाते हैं और ये कहते हैं कि मैं भी हिंदू हूँ, कभी वो पंडित बनते हैं, कभी कोई जाति बनते हैं। इसलिए युवा मोर्चा यहाँ पर आज जो पुतला दहन किया है, मैं युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ, और इस तरह जिस तरह से राहुल गांधी ने टिप्पणी किया है, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के नाते मैं उनकी भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ।